धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश जी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी विषय पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में संबद्ध है, और यह वेबिनार जो आयोजित है गवर्नमेंट राजमोहिनी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज अंबिकापुर सरगुजा और कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी MHRD न्यू दिल्ली, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा। इस वेबिनार में हम सभी से संबद्ध मेरे अनन्य मित्र पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर KL वर्मा जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अवनीश कुमार जी, और अभी एक बहुत अच्छा वक्तव्य मैं सुन रहा था अपने अत्यंत प्रिय प्रोफेसर TP सिंह का, जो मेरे अनुज हैं, बहुत अच्छा बोल रहे थे TP सिंह जी। सुन रहे हो तो उन्हें बहुत साधुवाद। सभी पक्षों को, विदेश नीति के जितने भी पक्ष हैं, विशेषकर सामयिक संदर्भ में बहुत अच्छा विवेचन भी किया, बहुत अच्छा वर्णन भी किया। इस महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती ज्योति सिन्हा जी, जिन्होंने आरंभ में स्वागत किया हम लोगों का, मुख्य वक्ता के रूप में अभी सम्मिलित हो रहे प्रोफेसर GA घनश्याम जी, आयोजनकर्ता और हम लोगों से जिन्होंने संपर्क किया है, सेप्री डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी जी, साथ ही वे सभी महानुभाव और देवियों जो इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं अथवा सुन रहे हैं अथवा देख रहे हैं, हमारे टेक्निकल टीम के स्टाफ के सभी सदस्य, मुझे अच्छे प्रसन्नता है कि सामयिक संदर्भों में भारतीय विदेश नीति के विषय में चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं, और उसमें कैसे कैसे शब्द जुड़ेंगे, उनका तकनीकी स्वरूप क्या होगा, इस पर भी थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से जब भी हम विदेश नीति की चर्चा करते हैं तो पूरे विश्व की जो स्थिति है वह ध्यान में आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि विदेश नीति एक देश की वैश्विक सोच का आईना होती है, और इसी के माध्यम से हम बिना टकराव के ही राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में सफल होते हैं, इसे ही हम विदेश नीति कहते हैं। वस्तुतः इसमें राष्ट्र की आकांक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के मध्य संतुलन स्थापित करने का भाव होता है, और निरंतर शांति, सुरक्षा तथा विकास का ध्येय होता है, जिससे कि राष्ट्रीय हित का संवर्धन किया जा सके। बहुधा हम इसमें सुरक्षा का भाव रखते हैं, कूटनीति का भाव रखते हैं ताकि हमारे हित पूरित हों, इसके साथ ही वह सभी बातें इसमें समाहित होती हैं जिससे एक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। इसीलिए कहा जाता है कि विदेश नीति के माध्यम से ही हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दिशा प्रदान करते हैं, उसके संचालन में अपनी भूमिका निर्धारित करते हैं, और ऐसा होने के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कई स्तरों पर चलने वाली एक प्रक्रिया के रूप में विदित भी होती है और व्यवहारित भी होती है। इसलिए विदेश नीति बहुत मायने रखती है एक राष्ट्र की प्रगति में, उत्थान में, उसकी सुरक्षा में, और उसकी वहाँ जो लोग हैं उनकी संरक्षा में। बहुत सारी सुविधाएँ राष्ट्रांतर्गत विदेश नीति के कुशल संचालन से मिल पाती हैं, न केवल आसपास अपितु आसपास से दूर भी जो देश हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, किस तरह होने चाहिए और किस सीमा तक होने चाहिए, ये सब विदेश नीति के हिस्से होते हैं। जहाँ तक भारत की विदेश नीति का प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने विदेश नीति का अवलंबन अपनी परंपरा, सांस्कृतिक विरासत, दार्शनिक चिंतन, भौगोलिक स्वरूप सभी को ध्यान में रख करके निर्मित किया, और इसलिए जब भी हम विदेश नीति की बात करते हैं तो हमारी परंपराएं हमारे साथ साथ चलने लगती हैं।
अहिंसा की परंपरा, सहयोग और सहिष्णुता की परंपरा, पंचशील की परंपरा, ये हमारी विरासत है, इसे लेकर हम चलते हैं। हम मानकर चलते हैं कि दुनिया में कहीं भी हिंसक टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा में ही अहिंसा का भाव समाहित है और अभी भी समादृत है। गौतम बुद्ध ने और गांधी ने इसे बहुत ज़्यादा विस्तार दिया और इसके व्यवहार को अपनाने पर बल दिया, और आज पूरी दुनिया में माना जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का सबसे अच्छा उपाय नॉन वायलेंस ही है। जो नॉन वायलेंट मेजर्स हैं, हिंदुस्तान ने जैसा बताया है वही मान्य है। हमारी परंपरा में कहा गया, अहिंसा परमो धर्म श्रुत्युक्ता स्मार्थ एव च, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ऐसा श्रुतियों और स्मृतियों में कहा गया। ये हमारी परंपरा है। इस लंबी ऐतिहासिक परंपरा को हमने अपने विदेश नीति का हिस्सा बनाया। हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, सांस्कृतिक संगम और समन्वय, इसीलिए हम दुनिया में अपनी संस्कृति के माध्यम से अपने भाव और विचार लेकर चलते हैं। जो संस्कृति के उदात्त मूल्य हैं उसे हम लेकर के चलते हैं। उसमें भी अभी प्रोफेसर टीपी सिंह बहुत अच्छी बात कर रहे थे पर्यावरण के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। हमारे यहाँ प्रकृति बंधन की संस्कृति है, लैंगिक समानता की संस्कृति है। हम इस सब को पूरी दुनिया के मंच पर ले जाना चाहते हैं और इसे समय समय पर व्यक्त भी करते रहते हैं। हमारी आस्थाएं, हमारी विचारधाराएं हमेशा चलती रहती हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का उद्घोष है। इसीलिए शीत युद्ध के दौर में हमने जो विदेश नीति का नियमन किया उसमें पंचशील का सिद्धांत भी निरूपित किया, संप्रभुता, अखंडता का सम्मान, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, समानता के आधार पर पारस्परिक हित, और अंतिम जो आज भी पूरी दुनिया के लिए मान्य है, स्वीकार्य है और करना चाहिए, वह है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये हमारी विदेश नीति के मायने हैं और कायदे हैं, इसी को लेकर के हम चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद शीत युद्ध का दौर था, इसलिए ऐसे में हमारी विदेश नीति की कुछ खास आवश्यकताएं थी, और उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने गुटनिरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया और कुछ जो मूल्य निर्धारित किए, कुछ सकारात्मक भी थे, कुछ नकारात्मक भी थे। जो नकारात्मक मूल्य थे वो विरोध के स्वर थे, साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध, नस्लवाद का विरोध, शस्त्रीकरण का विरोध। यद्यपि यह बहुत ज़्यादा तब भी आवश्यक था, आज भी प्रासंगिक है और आवश्यक है, इसे हम साथ लेकर चलते हैं, इसे हम स्वीकार नहीं करते। अब एक नया तत्व भी उसमें है, विस्तारवाद का विरोध, संरक्षणवाद का विरोध। यह पूरी दुनिया के लिए हितकर है, और जो अति महत्वाकांक्षी राष्ट्र हैं, जो किसी कारण इस गलतफहमी में रहते हैं कि उनके पास बहुत अधिक आर्थिक शक्ति है और उसके माध्यम से अन्य राष्ट्रों को थोड़ा दबाने का प्रयास करेंगे, उनके भ्रम को तोड़ने के लिए इस नीति का पूरी दुनिया के संप्रभु राष्ट्रों के द्वारा अवलंबन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन सकारात्मक पक्ष भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र में हमारी भूमिका बहुधा सकारात्मक रही है, और इसी सकारात्मकता के चलते ही विश्व बिरादरी में हिंदुस्तान का बहुत अधिक सम्मान है। चाहे नीतिगत निर्णय हों अथवा जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें हमारे देश के सैनिकों की भागीदारी हो, अथवा संयुक्त राष्ट्र को प्रदान किया जाने वाला अंशदान हो, सब में हिंदुस्तान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पारस्परिक संवाद का समर्थन, राष्ट्रों के हित के लिए तकनीकी ट्रांसफर का समर्थन, नई वैश्विक व्यवस्था का समर्थन, यह सब हमारी विदेश नीति के सकारात्मक पक्ष हैं। उसमें जो राष्ट्र हैं वह कैसे अपने यहाँ आधारभूत संरचना का विकास करें, इसके लिए पारस्परिक आदान प्रदान का समर्थन, सांस्कृतिक मूल्यों के संचार और प्रसार का समर्थन, यह सब हमारी विदेश नीति के प्रमुख हिस्से हैं, और विशेष करके अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन का समर्थन, यह हमारी विदेश नीति के सकारात्मक पक्ष हैं, जिसके चलते आज भी हमारी ओर दुनिया निगाह उठा करके देखती है कि भारत की ओर से कोई वक्तव्य आना चाहिए, उसका मंतव्य हमें दिखलाई देना चाहिए। विदेश नीति वस्तुतः है
निरंतरता, परिवर्तनशीलता और गतिशीलता से परिवेष्टित होती है। भारत की विदेश नीति के साथ भी यही है। हमने विदेश नीति के साथ ध्यान रखा कि गुटनिरपेक्षता के माध्यम से हम नवोदित राष्ट्रों की स्वतंत्रता और संप्रभुता को बचाने में नेतृत्व प्रदान करें और महाशक्तियों के साथ एक समानता रखें, लेकिन वह सम्मानजनक दूरी के साथ, जिसे इक्वी डिस्टेंस कहते हैं। यह रखने का भाव रखा कि हम महाशक्तियों के आभा मंडल से प्रभावित नहीं होंगे और शीत युद्ध के अनंतर हम किसी सख्त गुट के भागीदार नहीं होंगे, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हम स्वतंत्र निर्णय देंगे, उचित अनुचित का विचार करते हुए। समय के साथ गुटनिरपेक्षता की नीति में परिवर्तन हुआ। कभी इसे हमने डायनेमिक नॉन अलाइनमेंट कहा, यह तकनीकी शब्दावली का शब्द है, कभी पॉजिटिव नॉन अलाइनमेंट कहा, कभी जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट कहा, और फिर इसका जो आखिरी चरण था उसमें डैशिंग एंड डायनेमिक नॉन अलाइनमेंट के रूप में हम लोगों ने इसे अभिहित किया। अर्थात अब दौर वह आ गया है कि हम सभी राष्ट्रों के साथ हित विषयक संदर्भों में वार्ता करें। अब सम्मानजनक दूरी की बात नहीं है, अब यथार्थ परक निकटता की बात है। शीत युद्ध के समापन के साथ, अथवा कह लें कि जो भूमंडलीकरण का दौर आरंभ हुआ उसके श्री गणेश स्थल के साथ, जहां सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके राष्ट्रनायक गोर्बाचोव द्वारा दो शब्द दिए गए, क्लास नास्त और पेरोस्त्राइका, खुलापन और पुनर्निर्माण, जिनके चलते सोवियत संघ का क्रमशः विघटन हुआ, लेकिन अभी भी रूस के रूप में बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र दुनिया में है और लगभग शक्ति स्पर्धा के खेल में संयुक्त राज्य के बराबर, हिंदुस्तान का टेस्टेड और ट्रस्टेड फ्रेंड। तो अब एक नया दौर बना। शीत युद्ध के दौर में दुनिया को बहुध्रुवीय माना जाता था और उस संदर्भ में हमारी नीतियां संचालित होती थी। द्वितीय चरण, या कह लें कि जैसे ही शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ, द्वितीय चरण द्विध्रुवी विश्व के आगे का बन गया, जिसमें कहा गया कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका महाशक्ति से बढ़कर सर्वोच्च शक्ति हो गई है और दुनिया यूनिलेटरल हो गई, एक पक्षी हो गई, एक ध्रुवी हो गई, यूनिपोलर वर्ल्ड। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से यूनिपोलर शब्द संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया में भौगोलिक रूप से हमेशा द्विध्रुव होंगे, इसलिए फिर बाद में नया शब्द दिया गया, मल्टीपोलर कहा गया। तो यह बहुध्रुवीय शब्द भी बहुत यथार्थपरक नहीं है, इसके लिए उचित शब्द है कि दुनिया मल्टीपिलर हो गई, बहुस्तंभी दुनिया हो गई, जिसमें बहुत दिनों तक संयुक्त राज्य अमेरिका केंद्रीय स्तंभ था और शेष महाशक्तियां उसके इर्द गिर्द। महाशक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई, हिंदुस्तान, जापान, ब्राजील, जर्मनी जैसे देश तेजी से आर्थिक सांस्कृतिक संदर्भों में आगे बढ़े, तकनीकी क्षमता इनकी बढ़ी और यह भी महाशक्तियों के समक्ष अवस्थित हो गए, इन्हें भी माना गया, यह भी महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। फिर जितने क्षेत्रीय संगठन हैं, आर्थिक संगठन हैं, यूरोपीय संघ हो गया, इन्हें भी माना गया कि यह भी दुनिया में स्तंभ की तरह हैं। इसलिए बहुस्तंभी दुनिया में हिंदुस्तान को नए सिरे से अपना नीति नियोजन करना पड़ा। पहले हमारी विदेश नीति पड़ोस केंद्रित हुआ करती थी, उसमें धीरे धीरे विस्तार हुआ, लुक ईस्ट अब एक्ट ईस्ट हो गया, और फिर एक नया शब्द उसमें जुड़ा, तकनीकी शब्दावली के लिए महत्वपूर्ण, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडेड नेबरहुड, विस्तारित पड़ोस की नीति। अब हम तात्कालिक पड़ोसियों से आगे जाकर जितने हमारे समीपस्थ राष्ट्र हैं उन्हें भी मित्र भाव, बंधु भाव से देखते हैं, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनसे हमारे गहरे संबंध बने। फिर आगे जाकर हम साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया के राष्ट्रों के साथ संबंध बने, गल्फ में हमारे संबंध पहले से बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो गए और वैश्विक मंच पर हमारी महत्वपूर्ण स्थिति स्थापित हो गई, किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हम समाहित हुए, कहाँ अभी हमें पहुँचना, इस पर अभी चर्चा हुई थी। लेकिन यह सब चीज़ें बहुत तेजी से घटित हुई और इस आज की स्थिति में तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम में हिंदुस्तान को सतर्क दृष्टि से आगे बढ़ना पड़ा। एक बहुत बड़ी समस्या दुनिया में उत्पन्न हो गई थी, जिसे आतंकवाद की समस्या कहते हैं, और उसके साथ ही अब विस्तारवाद की समस्या भी है।
आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक अभियान में हिंदुस्तान महत्वपूर्ण राष्ट्र बना और हमारी बात पूरी दुनिया ने स्वीकार की कि आतंकवाद अब एक वैश्विक मसला है और इसका पूरी दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों को मिलकर जो भी इससे आक्रांत हैं समाधान खोजने की जरूरत है। और आज का हमारा नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को वैश्विक फलक पर महानायक कहा जाता है। जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद के विरुद्ध है और किसी भी दशा में किसी भी स्थिति में किसी भी स्थल पर यह हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है, अस्वीकार्य है। और हमारा जो सिद्धांत था प्राचीन काल में सठे साठ्यम समाचरे था, अब इसका हम पूर्णतः अनुपालन करने लगे हैं। तो इसलिए हमारी जो आज की विदेश नीति है यह एक वैश्विक नीति है। इस वैश्विक नीति के संदर्भ में पहला जो क्रम था कि हम जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्र हैं, राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से हम प्रतिमान हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से हम प्रतिमान हैं। हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक पर्व है चुनाव और दुनिया के लिए आदर्श है। अब जहाँ कहीं भी चुनाव होता है हमारे देश से प्रेक्षक वहाँ जाते हैं, माना जाता है कि आदर्श व्यवस्था हमारे देश की है। तो इस तरह सभी शक्तियों से मानव संसाधन की दृष्टि से ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से समुन्नत होने के साथ ही आवश्यकता थी उदारीकरण के दौर में कि हम आर्थिक महाशक्ति बने और आज की तारीख में हम आर्थिक महाशक्ति हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब इस देश की सरकार थी 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया दोबारा और उसी परमाणु परीक्षण के साथ हमने घोषणा भी किया कि हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं और दुनिया ने स्वीकार भी किया। और हमने परमाणु नीति की भी घोषणा की जिसे कहा जाता है कि किसी भी परमाणु शक्ति राष्ट्र के संदर्भ में वह आदर्श नीति है, अर्थात हमारे पास जल थल और नभ तीनों शक्तियों के लिए पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता का नाभिकीय आयुध होगा, अर्थात हम आक्रामक नहीं हैं। इसके साथ हमने जो घोषणा की कि हम पहले दुनिया में परमाणु युद्ध की स्थिति में परमाणु आयुध का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरा हम किसी ऐसे देश के विरुद्ध परमाणु आयुध का प्रयोग नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु आयुध न हो, और तीसरा यदि किसी देश ने, पूरी दुनिया के लिए संकेत और संदेश दोनों था, हमारे ऊपर परमाणु प्रहार की कोशिश की तो उसे तो हम झेल लेंगे, अर्थात उससे बचने का हमने तरीका खोज निकाला है, लेकिन जब हम प्रति प्रहार करेंगे तो ऐसे राष्ट्र को जिसने हमारे ऊपर परमाणु आयुध चलाने की कोशिश की है अपने अस्तित्व के बारे में विचार करना होगा, अर्थात हमारा अभियान ऐसे बैरी राष्ट्र के टोटल एनिहिलेशन का होगा। टोटल एनिहिलेशन एक तकनीकी शब्दावली के लिए। तो इस तरह हमारी परमाणु नीति दुनिया में इस समय मान्यता प्राप्त है, लेकिन दुनिया यह भी मानती है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार परमाणु शक्तिशाली देश है, अर्थात हम सामरिक दृष्टि से भी महाशक्तियों के समकक्ष हैं। आप कह सकते हैं हम छठी महाशक्ति हैं। इतना प्राप्त करने के बाद आज के संदर्भों में हमारी विदेश नीति किस प्रकार की हो? पहला, जब भी विदेश नीति की बात करते हैं तो जैसे आर्थिक संदर्भों की बात हुई, हमने तेजी से तकनीकी विकास किया, व्यापार का नियमन किया, वाणिज्य के क्षेत्र में आगे बढ़े, वैश्विक पूंजी व्यवस्था में हमारा निवेश, हमारी प्रतिभागिता, हमारी सहभागिता तेजी से बढ़ी, आर्थिक मंचों पर हमारी आवाज़ सुनी जाने लगी। तो इस तरह से अब आज की तारीख में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जो हिंदुस्तान से व्यापार वाणिज्य में हाथ मिलाना न चाहे, क्योंकि व्यापार वाणिज्य के लिए बहुत बड़े बाजार की जरूरत होती है, बहुत अधिक कुशलता की जरूरत होती है। यह बाजार कुशलता और व्यापारिक व्यवहार के मामले में भारत के पास निपुणता है, कौशल है, क्षमता है, तकनीकी है, व्यवस्था है और पूंजी है। इसलिए भारत अब सबके लिए महत्वपूर्ण राष्ट्र है, इसलिए आर्थिक मंच पर हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण अवस्थिति है। आप सभी जानते हैं कि सुरक्षा पहला ध्येय होता है विदेश नीति का, और सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है कि न केवल सीमा पर अपितु सीमांतर्गत और सीमा के पार जो परिवेश है उसे हम अपने अनुकूल ढालें। इसके लिए हमें विशेष शक्ति की जरूरत होती है जिसे सामरिक शक्ति कहते हैं। परमाणु आयुध के साथ ही अब दुनिया में प्रतिस्पर्धा केवल धरातल पर नहीं है, अंतरिक्ष में भी है। अंतरिक्ष में पहुंच
हमने सफलतापूर्वक की और अब हमारा स्वयं का नेविगेशन सिस्टम है। हम एक साथ सबसे ज़्यादा सेटेलाइट छोड़ने वाले देश हैं। अब बहुत दूर तक जाकर युद्ध कला कौशल पर्याप्त होते हुए भी इससे भी आगे बढ़कर स्वयं न जाएं, अपने आयुध का प्रयोग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें, इसलिए मिसाइल तकनीकी में दक्षता आवश्यक थी। हमारे पास दुनिया के अन्य देशों के समान विकसित किस्म की मिसाइलें हैं। हमारी एक मिसाइल है ब्रह्मोस, जिसको हमने रूस के साथ मिलकर बनाया है। आज दुनिया में इसे एनिग्मा या रहस्य कहा जाता है। अभी हम बहुत सारी मिसाइलों पर काम कर रहे हैं और सफलता मिलते ही 2025 तक मिसाइल तकनीकी के मामले में हम दुनिया के श्रेष्ठतम राष्ट्र होंगे। इस तरह चाहे मिसाइल तकनीकी हो, वैमानिकी हो, अब तेजस चौथी और पांचवी पीढ़ी के बीच का युद्धक विमान है हमारे पास है, नभ क्षेत्र हो, थल क्षेत्र हो या जल क्षेत्र हो, सब में हमारी तेजी से प्रगति हुई है और पहुंच हुई है वहां तक जहां कोई भी प्रतिस्पर्धी देश हमसे हाथ मिलाने का दुस्साहस नहीं करेगा। और हाथ मिलाने का दुस्साहस करेगा तो उसे उसका कुफल भोगना पड़ेगा। जैसा आजकल लद्दाख में देखने को मिल रहा है, एक ऐसा देश जिसकी प्रवृत्ति, जिसके नेतृत्व वर्ग की प्रवृत्ति अमानुषिक है, जो प्रयोगशाला में ऐसा विषाणु पैदा करने की कोशिश करता है। आमतौर पर धारणा यही है कि उसी की प्रयोगशाला से यह विषाणु निकला, सीमा पर तना तने की कोशिश करता है और उसे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पूंजी, जो विनाश का कारण भी बनती है, उसके माध्यम से राष्ट्रों को डरा सकता है, अपने प्रभाव में ला सकता है, तो इस प्रभाव को विस्तार में बदलने की कुचेष्टा करने वाला राष्ट्र, जिसे शीघ्र ही अधोपतन की ओर बढ़ना है, अधोगति प्राप्त करना है, वह सीमा पर हलचल करने की कोशिश करता है। और उसे पता होना चाहिए कि आज का भारत, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, वह ऐसे देशों को बहुत महत्व नहीं देता। उसे पता है कि इनके द्वारा उत्पन्न समस्याओं का समाधान क्या है, उसी की भाषा में समस्या का समाधान करना। तो हर तरह से हम इस समय सामरिक दृष्टि से समर्थ संपन्न राष्ट्र हैं और कोई भी प्रतिस्पर्धी राष्ट्र कुचेष्टा करेगा तो उसे कुफल भोगना होगा और यह शीघ्र ही सबको दिखेगा भी, और विशेष करके उस राष्ट्र को तो अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। तो सामरिक संदर्भों में हम विदेश नीति के माध्यम से अब इस समय बहुत सशक्त राष्ट्र हैं। सामरिक संदर्भ के लिए जरूरी होता है कि विश्व का परिवेश अपने अनुकूल बना लें। आज जितनी महाशक्तियां हैं सबके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। सबकी यह मान्यता है कि हिंदुस्तान कभी भी आक्रामक देश नहीं रहा, लेकिन अब सबको यह भी पता है कि अगर किसी ने आक्रमण की कोशिश की तो उसका प्रतिकार हिंदुस्तान किस तरह करता है। और जब विस्तारवादी कोई राष्ट्र बनता है तो उसके विरुद्ध पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। आज यह माहौल है, दुनिया के सारे प्रमुख देश, हम दो राष्ट्रों को छोड़कर हमारे सारे पड़ोसी देश हिंदुस्तान से सहमत हैं, जो भी हिंदुस्तान का अभियान चलता है। तो हमने वैश्विक परिवेश को अपने अनुकूल आज की तारीख में बना लिया। महाशक्तियों के नायक हिंदुस्तान से गर्मजोशी के साथ मिलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ, और इसलिए एक नया शब्द ही आ गया है डिप्लोमेसी की दुनिया में, जिसे मोर डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं के इस मोर डिप्लोमेसी का हिस्सा कभी स्विंग डिप्लोमेसी भी बनी हुई थी, अर्थात हम हर तरह से जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनको सहयोग और सम्मान करते हैं, और जो प्रतिस्पर्धी राष्ट्र हैं हम उसी तरह से उनका मुकाबला भी करते हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा में हम खड़े होते हैं। हमने अपने संस्कृत के मूल्यों को विश्व में अपने विदेश नीति के माध्यम से विस्तीर्ण किया। हम पूरी धरा पर सांस्कृतिक समन्वय और सहयोग की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि संस्कृतियां जोड़ने का काम करती हैं। हम संगम संस्कृति के देश कहे जाते हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन नाम के एक विचारक हुए थे, उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बात की थी, लेकिन हम उसमें विश्वास नहीं रखते। हम संस्कृतियों के सामिप्य समन्वय की बात करते हैं और इसलिए हम सांस्कृतिक मूल्यों का दुनिया भर में विस्तार करते रहते हैं।
और आज दिखलाई भी दे रहा है, सभी प्रमुख राष्ट्र अपने जो जनप्रतिनिधि सभाएं हैं वहां श्री गणेश करते समय हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को जरूर व्यवहार के मंच पर रखते हैं। ये योग को अंतर्राष्ट्रीय विधान मान लेते हैं, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस बन जाता है। यह सब हमारे संस्कृति की उपलब्धियां हैं। एक क्षेत्र है जिसे ऊर्जा का क्षेत्र कहते हैं, वह राष्ट्र ज़्यादा महत्वपूर्ण और संपन्न माना जाता है जिसके पास ऊर्जा का पर्याप्त स्रोत हो अथवा प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत ज़्यादा हो। इस दृष्टि से भी हमने तेजी से प्रगति किया है और इसके लिए विदेश नीति की सफलता बहुत ज़्यादा आवश्यक रही है और आज है भी। अब जितने खाड़ी के देश हैं उनके साथ हमारे घनिष्ठ मित्रवत संबंध हैं, महाशक्तियों से भी हम इस क्रम में बहुत ज़्यादा आत्मीय संबंध रखे हुए हैं। कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में तो कहीं रूस के साथ, रूस के पास बहुत अधिक खनिज ऊर्जा का स्रोत है उसके साथ, तो इस क्षेत्र में भी हम बहुत ज़्यादा अब समर्थ और संपन्न हैं और विशेषकर वैकल्पिक ऊर्जा के मामले में हमने बहुत तेज़ी से प्रगति की है। और जो सतत ऊर्जा से सोलर एनर्जी है, इस क्षेत्र में हिंदुस्तान अग्रणी राष्ट्र है। जर्मनी फ्रांस के साथ विशेष सहयोग अब पूरी दुनिया मानने लगी है कि यह जो भूतल से ऊर्जा का दोहन कर रहे हैं इसकी एक सीमा हो सकती है, लेकिन अगर हम सोलर एनर्जी का प्रयोग करें तो भूगर्भ से निःसृत ऊर्जा का स्रोत भी सुरक्षित रहेगा और हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत भी रहेंगे। क्लाइमेट ठीक हो इसलिए क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितनी वार्ताएँ हैं अथवा पर्यावरण से संबंधित जितनी वार्ताएँ हैं उसमें हमारी विदेश नीति की सफलता के चलते हमारा बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो चाहे अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं हो, व्यापार और विपणन से संबंधित WTO का मसला हो, पर्यावरण से संबंधित मसला हो अथवा ऊर्जा संरक्षण का मसला हो अथवा मानवाधिकार का मसला हो, भारत की सब जगह आज की तारीख में धमकदार उपस्थिति है। और इस उपस्थिति में दो और प्रमुख कारण हैं। पहला तो आज हिंदुस्तान की शक्ति सामर्थ्य बदली है। पहले कहा जाता था कि हिंदुस्तान सॉफ्ट पावर स्टेट है, हम सबके साथ मित्रवत शांतिपूर्ण सहयोग का विचार रखते थे, आज भी रखते हैं, और किसी भी घटना को कोशिश करते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से ही हल हो जाए, वार्ता से ही हल हो जाए। हम अपनी ओर से कभी भी आक्रामकता नहीं दिखलाते थे, आज भी नहीं दिखलाते थे। हम प्रतिरोध करते थे, प्रतिकार नहीं करते थे। अब वह समय बदल गया है। अब हिंदुस्तान स्वयं भी सॉफ्ट पावर के साथ ही साथ अब हार्ड पावर स्टेट कहा जाने लगा है। हार्ड पावर स्टेट उसे कहते हैं विच एक्ट्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल रिक्वायरमेंट्स, परिस्थिति जन्य आवश्यकताओं के अनुरूप बर्ताव करने वाला राष्ट्र हार्ड पावर कहा जाता है। तो आज हम हार्ड पावर स्टेट हैं, इसलिए हिंदुस्तान की स्थिति क्रमशः बदली है और विदेश नीति में सामयिक परिवर्तन होता चला गया है। हम विशेष रूप से जो डिप्लोमेसी के बहुत सारे फलक हैं उसमें तीन का तो निरंतर पालन करते हैं, Track 1 डिप्लोमेसी, Track 2 डिप्लोमेसी और Track 3 डिप्लोमेसी। Track 1 डिप्लोमेसी में राजनयिकों के माध्यम से और विशेष क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ताओं के माध्यम से हम संवाद करते हैं, संधि करते हैं, इसका हम निरंतर ध्यान रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। Track 2 डिप्लोमेसी का हम प्रयोग तब करते हैं जब कोई पड़ोसी प्रतिस्पर्धी राष्ट्र राजनयिक स्तर की वार्ता से हमारे अनुकूल व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं होता और अपने हितों की गलत व्याख्या करता है, तो ऐसे में टकराव टालने के लिए Track 2 डिप्लोमेसी का प्रयोग करता है जिसमें हम बौद्धिक लोगों का प्रयोग करते हैं, संस्कृति कर्मियों का प्रयोग करते हैं और निकट आने का भाव रखते हैं, एक परिवेश बनाने का काम करते हैं विभिन्न देशों में कि हमारी बात को आप कायदे से समझिए और सुनिए और इस भावनाओं के अतिरिक्त अनुकूल आप व्यवहार करें। Track 3 डिप्लोमेसी है पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट, यहाँ नहीं मिले कहीं और मिल लें लेकिन हमारा संवाद चलते रहना चाहिए। और आज का जो दौर है उसे मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी कहते हैं, इसमें राजनयिक भी भाग लेते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी भाग लेते हैं, NGO भी भाग लेते हैं, हर स्तर पर हम संवाद करते हैं। हम वह राष्ट्र हैं
जो संवाद के माध्यम से अगर कोई मुद्दे हैं तो उसका समाधान खोजते हैं। हम टकराव में विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर कोई राष्ट्र टकराव के पथ पर चलना चाहता है तो उसे उसी की भाषा में समझाने का आज के नेतृत्व का संकल्प है। यह हमारी विदेश नीति की दृढ़ता है। विदेश नीति की सफलता में राजनयिक नेतृत्व की दृढ़ता स्पष्ट होनी चाहिए। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारा राजनीतिक नेतृत्व संकल्प रखता है तो उस संकल्प को सिद्धि की ओर ले चलता है। यह आज के राजनीतिक नेतृत्व की विशेषता है। वैश्विक मंच पर जो विश्व व्यवस्था है उसे संचालित करने वाले निकाय में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति अंकित कराना हमारा एक ध्येय है। हम चाहते हैं कि जो नई विश्व व्यवस्था हो वह न्यायपूर्ण हो, जिसमें सभी राष्ट्रों की संप्रभुता सुरक्षित हो, समानता के आधार पर व्यवहार हो, जिसे संप्रभु समानता कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसे संयुक्त राष्ट्र कह रहे हैं उसमें भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विधिवत समावेश हो। क्योंकि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं तो लोकतांत्रिक मूल्यों की महत्ता सर्वत्र दिखलाई दे, इसलिए हम इसके लिए पहल करते हैं। अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो सर्वाधिक सशक्त भाग है सुरक्षा परिषद अंग, उसका हम अस्थायी सदस्य बने, और इसके लिए जितने कारक होते हैं, जितनी अपेक्षाएं होती हैं, वह भारत के पास है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। राजनीतिक स्थिरता और गतिशीलता के मामले में हमारी कोई सानी नहीं है। हमारे पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव संपदा है, दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। हम आर्थिक महाशक्ति हैं। संस्कृति और विचार के मामले में दुनिया में हम अग्रणी राष्ट्रों की कतार में सम्मिलित हैं, और हम सामरिक दृष्टि से जिसका पर्याय होता है नाभिकीय शक्ति संपन्न होना, हम बहुत ज़्यादा आगे हैं। वैश्विक मंच पर शांतिपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देने वाले राष्ट्रों में हम बहुत आगे हैं। हमारी जो भूमिका है संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों में सदैव सकारात्मक रही है और है और रहनी है, इसलिए हर दृष्टि से अब हमें सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होना ही होना है, और यह शीघ्र ही ऐसा हो जाएगा ये विश्वास है। बस समय की बात है कितना जल्दी यह होगा। आज की तारीख में हिंदुस्तान दुनिया का महत्वपूर्ण राष्ट्र है। आज जो आने वाली दुनिया है वह तकनीकी और ज्ञान की दुनिया के रूप में विदित है, और इसे उसी रूप में आगे बढ़ना है। जो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का समन्वय है वह हिंदुस्तान में अद्भुत है। जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वह हिंदुस्तान में अब श्रेष्ठतम होने के मुकाम तक पहुंच चुकी है। शिक्षा की प्रणाली से ही ज्ञान लोक में महत्ता प्राप्त होती है। आने वाली दुनिया ज्ञान की दुनिया है, और ज्ञान के संदर्भों में हिंदुस्तान शीघ्र ही महाशक्ति बनने वाला है, और महाशक्ति बनने का मार्ग शिक्षण संस्थानों से निकलता है, जिससे हम आप सभी संबद्ध हैं। आइए हम आप सभी मिलकर भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ और सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार।